दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में, ये क्या काम में आता है और इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और इससे जानेंगे इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसका साल्ट क्या है और कितने एमएल इसका यूज करना चाहिए और कितने साल के व्यक्ति को, हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं यानी आपका दोस्त राजेश इस सिरप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में, ये क्या काम में आता है। एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप डॉक्टर के लिखे पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, जिसका इस्तेमाल खास तौर से नाक बहना, आंखों से पानी आना, खांसी में कफ आना, गले में खराश होना, गले में जलन होना, गले में दर्द होना, एलर्जी जुकाम होना, गले में भारीपन महसूस होना, आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप का यूज आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसका साल्ट क्या है। इसका कॉम्बिनेशन है टर्बुडलिन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड जियोफेंसिन एंड मेंथोल एक्सपेक्टोरेंट सिरप, ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये इसका साल्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कितने साल कितने ईयर्स के व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए। इसका यूज करना चाहिए दोस्तों 6 ईयर्स, 6 साल से ऊपर के व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए। सुबह शाम खाना खाने के बाद इसका यूज करना चाहिए और बाकी का अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसे साइड इफेक्ट के बारे में, इसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। इसका साइड इफेक्ट जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एलर्जी होना, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकल आना, आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं हो रहा है, आप इसका यूज करना तुरंत ही बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। अब दोस्तों बात करते हैं इसे कंपनी के बारे में, इसको कौन सी कंपनी बनाती है। इसको बनाती है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी पैकिंग के बारे में, ये कितने एमएल की पैकिंग में ये आता है। ये आता है दोस्तों ये 120 एमएल की पैकिंग में ये आता है, 120 एमएल की पैकिंग में आता है। और जान लेते हैं साथ ही साथ इसके एमआरपी प्राइस के बारे में, इसका एमआरपी प्राइस क्या है। इसका एमआरपी प्राइस है 119 रुपीज, ये इसका एमआरपी प्राइस है। आपको ये सभी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है, आप इसको एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप के नाम से आप इसको सभी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आप इसको लेने के बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नई नई वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल द मेडिसिन नॉलेज को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए द मेडिसिन नॉलेज के साथ। जय हिंद और जय भारत।